गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने गृह क्षेत्र दतिया में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही दलित वर्ग का सम्मान किया है। शासन की योजनाओं का लाभ सबसे अधिक दलित वर्ग को ही मिल रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव आते ही आपके दरवाजे पर आएंगे और संविधान बदलने व आरक्षण खत्म करने की बात आपसे करेंगे। पहले भी कांग्रेसियों ने आप लोगों से झूठ बोला है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी के वोटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी दलित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। वो हमेशा दलितों का शोषण करती आई है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 प्रतिमाएं अंबेडकर की लगाई है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाया है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने 200 प्रतिमाएं नहीं लगाई हो, लेकिन आपने एक भी प्रतिमा लगाई है क्या? आपको तो हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना और झूठ बोलना आता है। भाषण में ये बात कहता हूँ कि देखो, पीछे अगर अपन अपने मन के अंदर झांकेंगे तो अपन को ठीक दिशा मिलेगी कि ये बात सही है। मैं तीन बार तीन चुनाव लड़े, अभी दतिया से 15 साल हो गए। इन 15 साल में 3 चुनाव हुए और तीनों चुनाव में हमारे वोटों को भरमाने की कैसे कोशिश की, ये तीन ही चुनाव देख लो। 15 साल पहले उनने कहा था कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे बाबा साहब का, इसलिए भाजपा को वोट मत दो। हमारे कुछ लोग भ्रम में आ गए कि ये संविधान बदल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे दिए वोट उनको, लेकिन चुनाव के बाद में इनने फिर संविधान की बात नहीं कही, बात बंद कर दी। बस चुनाव में वोट लेने तक संविधान बदल देंगे की बात करी। फिर दूसरा चुनाव आया और दूसरा चुनाव जब आया तो इनने नई बात शुरू करी चुनाव पे कि भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब नई आरक्षण की बात शुरू हुई तो मैंने फिर वोट दे दिए, यार आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। ये फिर वोट लिए और चुनाव खत्म हुआ तो इनने आरक्षण की बात बंद कर। फिर तीसरा चुनाव जो अभी निकला है 4 साल पहले वो आया, तो इस चुनाव में इनने कही ये भाजपा वाले हरिजन एक्ट समाप्त कर देंगे और हरिजन एक्ट के चक्कर में फिर वोट ले लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि चुनाव के टाइम पे ये ऐसी ही बातें करते। तो उनने मूर्तियों की संख्या बताई जा रही, 251 बताई, कितनी बताई, कितनी मूर्तियों का अनावरण हो गया। इसी तरह की बात 14 तारीख को जब अंबेडकर जयंती थी और किला चौक पे जब कार्यक्रम हो रहा था तो मैं मंच पर पहुंचा तब किसी वक्ता ने 200 मूर्तियां की संख्या बताई। बाद में कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट किया कि 200 नहीं है, हम मान लेते हैं कि 200 नहीं है, कम है। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने आजादी के बाद से आज तक 55 साल से चुनाव लड़ रहे हो, तुमने एक आध मूर्ति लगवाई क्या? हमने लगवाई नहीं लगवाई ये अलग बात है, तुमने एक आध लगवाई क्या 55 साल से? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश ही नहीं विदेश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों का सम्मान किया है। कांग्रेस तो सिर्फ इनको अपना वोट बैंक समझती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवा करती है। वहीं इस कार्यक्रम में समाजसेवी चतुर्वेदी गौतम ने कहा कि हम बाबा साहेब अंबेडकर को भगवान की तरह मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी मूर्ति लगाकर हमें अपने भगवान की पूजा करने का मौका दे रही है। कभी भी वोटों को आधार बना के बाबा साहब की पूजा नहीं की, हम बाबा साहब के स्थायी उपासक भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं। हमने किया है, जो पंच तीर्थ बने हुए हैं, 5 तीर्थ बने हुए हैं, वो पांचों के पांचों तीर्थ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा निर्मित है, किसी और ने नहीं बनाया। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली पर जो तीर्थ स्थान डेवलप हुआ है, आप में से कई लोग गए होंगे, वो हमारी सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने उसको डेवलप किया। नागपुर का तीर्थ हो, बम्बई का हो, दिल्ली का हो, या विदेश में वो लंदन में जहाँ पढ़ने गए थे वहां भी जो पांचों तीर्थ बने, उन पांचों तीर्थ, और इस बार तो महू पे हमने जो तीर्थ दर्शन योजना की रेल हमारी जाती है, उस तीर्थ दर्शन योजना की रेल में भी ये पंच तीर्थ शामिल कर दिए कि अपन लोग उसमें बैठ के सारे के सारे तीर्थों को जा सकते हैं, बाबा साहब के जो तीर्थ स्थान है। 14 अप्रैल को ये सारे के सारे किए। ग्वालियर के अंदर महाकुंभ लगा था, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सब घोषणाएं की थी। मैं विकास की बात अभी
श्रद्धेय भंते जी अपने बीच में कह रहे थे कि दतिया को सजाया है, मेरे अकेले कोई भी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हम सब ने मिलकर सजाया है, हम सब ने मिलकर मूर्तियां लगाई हैं, हम सभी दतिया को आगे ले जाना चाहते हैं। अपना नाम बाबा साहब को दिया अम्बेडकर लिखा, और वही अम्बेडकर आज हमें दादा में नजर आता, क्यों कि उस समय भी कुछ ब्राह्मणवादी लोग बाबा साहब का विरोध करते थे तो कुछ ब्राह्मणवादी लोग उनका समर्थन किया करते थे। जबी तो बाबा साहब लंदन गए पढ़ने के लिए, जबी तो बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त की, जबी तो बाबा साहब विश्व के अमेरिका का जो सर्वे हुआ, विश्व में सबसे बड़ा योग सबसे योग्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुने गए। ये है तो आज हमें अंबेडकर नजर आते हैं, वो टीचर अंबेडकर नजर आते हैं कि जो आज हमारे अहरवाल समाज को लेकर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।